रसोई योजना के अंतर्गत गरीबों और जरूरतमंदों को केवल 10 रुपए में राज्य सरकार द्वारा भोजन प्रदान किया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोई भूखा ना सोए के संकल्प को ध्यान में रखते हुए दीनदयाल रसोई की शुरुआत की थी। अब केवल 10 रुपए में लोगों को सेवा भाव के साथ पौष्टिक व शुद्ध भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। तमिलनाडु में पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता द्वारा चलाई गई अम्मा कैंटीन की तर्ज पर मध्य प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को दीनदयाल रसोई योजना की शुरुआत की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस योजना को लॉन्च किया। इस योजना के तहत गरीबों को सिर्फ 10 रुपए में भरपेट भोजन मिलेगा। योजना प्रदेश के 51 जिलों में से 49 जिलों के मुख्यालयों में शाम 6 से 7 बजे के बीच शुरू हुई। हर जिला मुख्यालय में कम से कम एक स्थान पर दीनदयाल रसोई शुरू की जाएगी। जरूरत पड़ने पर बड़े शहरों में से एक से ज्यादा केंद्र स्थापित होंगे। दीनदयाल रसोई घर का उद्घाटन मैयर के नव निर्मित बस स्टैंड पर नगर पालिका अध्यक्ष धर्मेश घई ने किया। धर्मेश घई के साथ मुख्य नगर पालिका अधिकारी दिनेश तिवारी, मैयर SDM सुरेश अग्रवाल, एडवोकेट दिलीप त्रिपाठी, भाजपा मंडल अध्यक्ष अनुपम सोनी, पार्षद प्रभात द्विवेदी, पार्षद प्रमोद सिंह के साथ ही अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। आज मध्य प्रदेश शासन द्वारा रसोई योजना चालू की गई है। कैसा खाना आपको मिल रहा है? कितना पैसा लिया गया आपसे? 10 रुपए रसीद दी गई है। बहुत अच्छा। कितना पैसा लिया गया आप लोगों से? 10 रुपए क्या भरपेट दिया जा रहा है कि थाली सिस्टम दिया जा रहा है? आज मध्य प्रदेश में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे मध्य प्रदेश में दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत रसोई का शुभारंभ किया है। इसमें जितने भी हितग्राही आएंगे उनको 10 रुपए देना पड़ेंगे और उनको भरपेट भोजन दिया जाएगा। नहीं नहीं, 5 रुपए का पूर्व का कार्यक्रम है। वर्तमान में जो आदेश प्राप्त हुए हैं उसमें 10 रुपए हितग्राही को देना है और 5 रुपए सरकार से इस संस्था को, जो संस्था संचालन कर रही है, उसको सरकार 5 रुपए देगी। उज्जैन की एक संस्था है जो कि हम अभी देख के आ रहे हैं, 5 रुपए में कहाँ पर? उज्जैन। उज्जैन में वो एक अलग होगा, लेकिन ये दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना का एक रूप है पूरे मध्य प्रदेश में और आज इसका शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। इसमें 10 रुपए हितग्राही को देना है और 5 रुपए सरकार देगी उस संस्था को जो इस योजना को चला रही है। अच्छा, जो डेली संस्था द्वारा जो रिकॉर्ड ऊपर भेजा जाएगा 5 रुपए का, तो कैसे उन्होंने कितने आया, कितने मैहर की जो रसोई है इसके लिए 10 रुपए निर्धारित किया है और इसका एक शासन ने पोर्टल बनाया है। जितने लोगों को ये खाना खिलाएंगे उतने लोगों की ये रसीद काटेंगे और उतने लोगों का ही 5 रुपए का इनको अनुदान मिलेगा। इसमें क्या थाली सिस्टम है कि भरपेट खाना है? भरपेट भोजन दिया जाएगा 10 रुपए में। सतना मैयर से UD News के लिए प्रेमानंद सावलानी की रिपोर्ट।